Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to yet another haul video. So today's video is your most requested video. मुझे सबसे ज्यादा comments आते हैं, DMs आते हैं कि मैं आपके साथ Myntra से trouser का haul share करूं. So I think ना 1 or 2 year back something मैंने आपके साथ trouser का haul share किया था Myntra से. उसके बाद से मैंने कभी भी purchasing नहीं की है Myntra से trouser की. बट आप लोगों के इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा यार अब मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे ट्राउजर रिसीव होते हैं. तो बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद ना फाइनली मुझे कुछ बहुत अच्छे से पीसेस रिसीव हुए हैं. एंड नो डाउट मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने प्राइस रेंज भी बहुत डिसेंट रखी है सो दैट हर कोई परचेस कर पाए. इस बार के जितने भी ट्राउजर है सभी बिलो 1000 की रेंज में है. सो अगर आपको ऑफिस वेयर के लिए या फिर कैजुअल पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट है होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के ट्राउजर रिसीव हुए हैं या मैंने किस टाइप के ऑर्डर कर रखे हैं ट्राउजर. तो अब बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ माय फेवरेट. वैसे तो सभी मेरे फेवरेट है बिकॉज सभी मैंने अपनी चॉइस से ही ऑर्डर कर रखे हैं. बट ये वाले ट्राउजर का फिट मुझे बहुत पसंद आया. स्पेशली अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपको अच्छे ट्राउजर की रिक्वायरमेंट है होप आपको ये वाला ट्राउजर पसंद आए बिकॉज ना बहुत अच्छा ट्राउजर है एंड इसका कलर बहुत प्रिटी है गाइस. लुक एट दिस. ये आपको मिल जाता है ब्लू के शेड में एंड ये ना लाइट शेड ऑफ ब्लू है. समथिंग वो जो स्काई ब्लू से हल्का सा डार्क होता है ना टील ब्लू और स्काई ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उस टाइप से इसका कलर. लुक एट दिस. इसका फिट बहुत प्यारा है. वहां पे मेंशन था कि ये ना टैपर्ड फिट में है. तो टैपर्ड तो ठीक है बट समथिंग क्या वर्ड था पैक ट्राउजर है. सो आई डोंट नो ये पैक ट्राउजर क्या होता है बट Myntra में यही मेंशन था. सो यू कैन सी वैसे इसका जो पूरा फिट है ना वो आपको टैपर्ड फिट में मिल जाता है. बहुत ही अच्छा इसका फिट हो रहा था मुझे. एंड इसका जो फैब्रिक है वो आपको पॉलिएस्टर एंड इलास्टिन मिक्स मिल जाता है बिकॉज थोड़ा सा इसमें ना स्ट्रेचेबिलिटी है. एंड फ्रंट में आपको मिल जाता है इस टाइप से इसका लुक. यहाँ पे आपको बटन क्लोजर दिया हुआ है. फ्रंट में जिपर डिटेलिंग मिल जाती है एंड इसका लुक ना यहाँ से आपको ऐसा मिलेगा लाइक प्लीटेड पैटर्न दे रखा है. तो ये जो प्लीटेड वाले ट्राउजर होते हैं ना ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं कैरी करने में. एंड दोनों साइड में ना आपको फ्रंट में ऐसे पॉकेट्स भी मिल जाते हैं एंड बैक में इसमें ओनली एक साइड में ही पॉकेट मिलेगा. लुक एट दिस. एंड यहाँ पे वेस्ट में आपको ऐसा इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिल जाती है. फिट मुझे एकदम परफेक्ट हो रहा था इसका. आई थिंक मैंने इसमें ना 28 साइज ऑर्डर किया है, स्मॉल साइज ऑर्डर किया है. तो फिटिंग आप देख सकते हैं ट्रायन पार्ट से कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है. एंड इसे मैंने कैरी किया है आई थिंक स्काई ब्लू कलर की ओवरसाइज शर्ट के साथ. थोड़ा सा मुझे ना ऐसा ऑफिस वाला लुक क्रिएट करना था इसलिए मैंने इसे शर्ट के साथ स्टाइल किया. आप चाहें तो ना इसे क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, टैंक टॉप के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये. एंड इसकी आई थिंक ना लेंथ मुझे थोड़ी सी लॉन्ग हो रही थी. मेरी हाइट 5'3.5" है तो मैंने नीचे से इसको हल्का सा फोल्ड कर रखा था. तो अगर आपकी हाइट लाइक 5'6" और 5'5" भी है ना तो भी आपको ये एकदम परफेक्ट होने वाला है. वैसे तो लेंथ मुझे भी ठीक थी बट जब मैंने ओवरसाइज शर्ट के साथ स्टाइल किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि हल्की सी ज्यादा लग रही है लेंथ इसलिए मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया. तो काफी ज्यादा अच्छा लुक आ रहा था. तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी गाइज ये वाला ट्राउजर बिकॉज कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है. इसे मैंने ऑर्डर किया है लेट मी चेक ससफराज ब्रांड से. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो Myntra का जो ससफराज ब्रांड है ना मुझे इसके जींस का कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज फिटिंग बहुत अच्छी होती है. इसलिए मैंने सोचा कि ससफराज से ही ज्यादा ट्राउजर ऑर्डर करते हैं बिकॉज जींस की फिटिंग तो अच्छी होती है तो मे बी ट्राउजर की फिटिंग भी अच्छी हो. तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. फैब्रिक क्वालिटी भी अच्छी है एंड गाइज प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है. मैंने ओनली ना 683 रुपीज में इसको परचेस किया है. एंड जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ लाइक आज के दिन इसका प्राइस मुझे शो हो रहा था 759 रुपीज. तो थोड़ा बहुत ही ऐसा चेंज हुआ है. तो अगर आपको ये लाइक 1000 के बिलो मिलता है ना जरूर ट्राई कर लेना. कैजुअल एंड ऑफिस दोनों लुक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर. सो नेक्स्ट वी हैव दिस ब्लैक ट्राउजर. सो ब्लैक ट्राउजर मैंने इसलिए इंक्लूड किया, मैंने सोचा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे कलर होते हैं जो आप लाइक एथनिक वियर के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड अगर आपको कैजुअल पर्पज के लिए या फिर ऑफिस के लिए चाहिए तो भी ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है. तो यू कैन सी गाइज ये आपको मिल जाता है वाइड लेग फिट में. काफी अच्छा इसका फिट हो रहा था मुझे. आप फ्रंट पार्ट में देखना नीचे साइड से ना बहुत अच्छा फ्लेयर्ड लुक आ रहा था. तो मुझे इस टाइप के जो फ्लेयर्ड ब्लैक कलर के ट्राउजर होते हैं ना काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं. मेरे पास एक H&M का भी ट्राउजर है, आपने बहुत बार देखा होगा मुझे उसे स्टाइल करते हुए. तो ये ना मुझे हल्का सा वैसे ही लगा लाइक जो नीचे से फिट है जो फ्लेयर्ड है ना वो बिल्कुल H&M जैसा ही है. मटेरियल की क्वालिटी नो डाउट चेंज है बट जो फिट है ना नीचे से वो बिल्कुल H&M का ड्यूपी है. लुक एट दिस गाइस, कुछ इस टाइप से इसका लुक मिल जाता है. हाई राइज ट्राउजर है ये. सो ये जो पहले मैंने आपको ट्राउजर दिखाया ना ये भी आई थिंक हाई राइज ही है
तो मैंने ना मिड राइज और हाई राइज चूज कर रखे हैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता प्रीवियस वन वाला, लेट मी चेक वैसे कौन सा है, इसमें मेंशन भी नहीं है, आई थिंक ये मिड राइज है, बट ये जो ब्लैक वाला है ना ये हाई राइज ट्राउजर है। एंड जो सबसे अच्छा पार्ट है ना इसका वो है इसका वेस्ट, आप देख सकते हैं गाइस इसके वेस्ट पोर्शन में ना आपको ऐसे व्हाइट कलर से रफल डिटेलिंग मिल जाती है, एंड फ्रंट में ना आपको ऐसी स्ट्रिंग मिल जाती है जिसे आप लूज एंड टाइट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आपको एकदम फ्लैट पैटर्न मिलता है। सो इस टाइप के जो फ्लैट पैटर्न वाले ट्राउजर होते हैं ना वो भी बहुत स्टाइलिश लगते हैं, अगर आप इसको टैंक टॉप के साथ या फिर क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल करोगे ना तो काफी अच्छा लुक क्रिएट होता है। एंड दोनों साइज में इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाते हैं और बैक में इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलता है, एंड इसका भी फैब्रिक आपको पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स और आई थिंक इलास्टिन समथिंग कुछ मिक्स ही है। तो ये जितने भी मैंने ट्राउजर ऑर्डर कर रखे ना सभी पॉलिएस्टर और इलास्टिन मिक्स ही है, बट इसका फिट मुझे बहुत पसंद आया, हल्की सी इसमें स्ट्रेचेबिलिटी आपको मिल जाती है। इसे भी आई थिंक मैंने ससफराज ब्रांड से ही ऑर्डर किया है, साइज मैंने अपने इसमें स्मॉल ही ऑर्डर किया है, आप देख सकती हैं कि ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मैंने जितने भी ट्राउजर है ना ये सभी आई थिंक मोस्टली क्रॉप टॉप के साथ ही स्टाइल किए हैं, बिकॉज मैं आपको ना पूरा फिट दिखाना चाह रही थी। वैसे तो मुझे क्या है ना जो ऐसे लूज फिट वाले ट्राउजर होते हैं वो ओवरसाइज टी शर्ट के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट मैंने सोचा अगर मैं ओवरसाइज टी शर्ट के साथ स्टाइल करूंगी तो आपको प्रॉपर लुक नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए मैंने इसे ना ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइज, स्पेशली अगर आपको कैजुअल पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है ना आप ट्राई कर लेना इसे, आप इसे ओवरसाइज शर्ट के साथ स्टाइल कर लेना एंड ओवरसाइज टी शर्ट के साथ क्रॉप टॉप के साथ किसी के भी साथ स्टाइल कर सकते हो। इसे मैंने ऑर्डर किया है ससफराज ब्रांड से एंड प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है गाइस 999 रुपीज, एंड अभी भी इसका प्राइस ना सेम ही शो हो रहा है। सो अगर आपको ये इस डील में मिल रहा हो ना जरूर ट्राई कर लो, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, फिट बहुत अच्छा है, सब कुछ अबाउट दिस ट्राउजर इज जस्ट परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर, तो ये वाले ट्राउजर का लुक जब मैंने मिंत्रा में देखा था ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, एंड नो डाउट जब मुझे रिसीव हुआ ना उससे भी ज्यादा मुझे पसंद आया, एंड इसका कलर बहुत प्रिटी है, लुक एट दिस गाइस, ये आपको मिल जाता है बेज कलर में, एंड ये ना वो जो खाकी वाला कलर होता है ना समथिंग उस टाइप से मुझे लगा, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका लुक, एंड ये आपको मिल जाता है पैरेलल डिजाइन में, लुक एट दिस। नीचे साइड में ना आपको यहाँ पे ऐसा बटन क्लोजर मिलता है तो आप इसे ना ओपन भी कर सकते हैं, तो जब आप ओपन करोगे तो इसका लुक आपको पूरा ऐसा पैरेलल ट्राउजर के लुक में मिलेगा, बट ये ओपन करने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको क्लोज करके ही स्टाइल किया था। लुक एट दिस, इसका भी फिट बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड इसे आई थिंक मैंने ना व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप इसे ना व्हाइट कलर की ओवर साइज टी शर्ट के साथ भी स्टाइल करोगे ना काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मुझे ना इसका कलर बहुत पसंद आया, अगर आपको लाइक अच्छा ट्राउजर चाहिए वो भी बेज और ये खाकी टाइप से कलर में, जरूर आप इसे ट्राई करना। इसमें जो फ्रंट है वो आपको मिल जाता है ऐसे प्लीटेड पैटर्न में, लुक एट दिस गाइस, कुछ इस टाइप से इसका फ्रंट पोर्शन, यहाँ पे आपको प्लीट्स मिल जाती है एंड बेल्ट के लिए इन्होंने हुक भी दे रखा है, एंड बैक साइड से इसमें ना ऐसे इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिल जाती है, फिटिंग तो काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी मुझे इसकी, एंड इसका फैब्रिक भी आपको पॉलिएस्टर मिल जाता है, एंड इसमें ना इलास्टिसिटी भी दे रखी है, सो समथिंग कुछ मिक्स सॉर्ट ऑफ है, एंड दोनों साइड में इसमें आपको पॉकेट भी दे रखे हैं, बैक साइड में आपको कोई पॉकेट नहीं मिलेगा, एंड जो इसका ये नीचे वाला पोर्शन है ना यहाँ पे ना आपको ऐसी लाइनिंग भी देखने को मिलेगी, होप यू कैन सी। वैसे ट्राय एंड पार्ट में आपको अच्छे से इसका पूरा लुक दिख जाएगा, सो इसका फिट डिजाइन सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है गाइज, कैजुअल पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, इवन इफ यू वॉन्ट तो आप इसे ना ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, हाईली रिकमेंडेड है ये वाला कलर एंड ये वाला ट्राउजर मेरे साइड से। इसे भी मैंने ससफराज ब्रांड से ही ऑर्डर किया, तो मैंने ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया बिकॉज मुझे पता था कि मुझे ससफराज का फिट अच्छा होता है एंड जीन्स का फिट मुझे इसका एकदम सही आता है, इसलिए मैंने मोस्टली सभी ट्राउजर ससफराज से ही ऑर्डर कर रखे हैं, तो आप जरूर एक बार इस ब्रांड को ट्राई करना। साइज मैंने इसमें भी स्मॉल ही ऑर्डर किया है एंड प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है गाइस 839 रुपीज, बट अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मैंने इसका ना प्राइस चेक किया था तो ये मुझे शो हो रहा था 797 रुपीज में, सो प्राइस के हिसाब से तो बेस्ट है गाइस, जरूर ट्राई कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर, तो ये वाला आई थिंक जो ट्राउजर है ना इसका मिंत्रा में हल्का सा मुझे कलर ना थोड़ा सा लाइटर शेड में दिख रहा था, हो सकता है जब हम इमेज क्लिक करते हैं ना तो थोड़ा सा कलर में चेंज आता है, बट ये मुझे जो रिसीव हुआ है ना वो थोड़ा सा डार्कर साइड में है एंड इसका कलर ना आपको लिटिल बिट ऑफ नेवी ब्लू मिलता है, लुक एट दिस गाइस,
कुछ इस टाइप से ये ट्राउजर, ये भी आपको ना वाइड लेग पैटर्न में मिलता है, स्ट्रेट फिट लुक है इसका, लेंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसकी। मेरी हाइट 5'3.5" है, तो आप देख सकते हैं ट्राई एंड पार्ट से कि कितनी परफेक्ट मुझे इसकी लेंथ हो रही थी। तो जो वाइड लेग ट्राउजर थोड़े से ऐसे लॉन्ग लेंथ में होते हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। यू कैन सी गाइस, में भी आपको फ्रंट में ना बटन क्लोजर मिल जाता है यहाँ पे, एंड नीचे साइड में आपको जिपर डिटेलिंग दी हुई है, एंड प्लीटेड पैटर्न भी दे रखा है, बेल्ट के लिए प्रॉपर हुक्स दे रखे हैं, एंड दोनों साइड में इसमें आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, विच इज ग्रेट थिंग। एंड बैक साइड से इसमें आपको ना ऐसी इलास्टिकेटेड डिटेलिंग मिल जाती है, कोई भी पॉकेट्स नहीं दिए हुए हैं इसमें। ये भी हाई राइज ट्राउजर है, फिट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा था मुझे इसका, एंड मैंने ना इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, एंड इससे मैंने आई थिंक ना ब्रिक कलर के क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया। पहले तो मैंने सोचा यार ब्लैक एंड व्हाइट तो यूजुअली ऐसे कलर है जो सबके साथ अच्छे ही लगते हैं, एंड हर किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ होता है, क्यों ना मैं थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट कलर ट्राई करूं। सो जब मैंने इसको ब्रिक कलर के क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया ना, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा था कैजुअल वियर के अकॉर्डिंग, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप भी थोड़े बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो एक्सपेरिमेंट करना तो। तो बहुत अच्छा है गाइज ये वाला ट्राउजर, इसका फैब्रिक भी आपको मिल जाता है पॉलिएस्टर, एंड थोड़ा सा ऐसे इलास्टिकेटेड डिटेलिंग भी इसमें दे रखी है, फिट वाइज बहुत अच्छा है। ऑफिस के लिए इस टाइप के कलर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, ऑफिस में ना ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने आपको फर्स्ट ट्राउजर दिखाया उस वो भी ना ब्लू के शेड में ही है, ये वाला भी ब्लू के शेड में है, तो आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप ऑफिस जाते हैं तो। एंड इसे भी मैंने ससफराज ब्रांड से ही ट्राई किया है, मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि सभी मैं ससफराज से ही ऑर्डर कर रही हूँ, जो भी मुझे पसंद आते जा रहे थे वो मैं इंक्लूड कर रही थी। साइज मैंने अपना स्मॉल ही ऑर्डर किया है, एंड इसके लिए मैंने जो प्राइस पे कर रखा था ना वो 719 था, बट अभी मुझे इसका प्राइस ना 799 रुपीज शो हो रहा था, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। बट अगर आपको 800 के बिलो किसी भी प्राइस में मिले ना गाइज, जरूर ट्राई कर लेना, क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड जो पूरा लुक आ रहा था ना, मतलब मजा आ गया लिटरली, मतलब इतने टाइम बाद मैंने मिंत्रा से ट्राउजर ऑर्डर किया ना, तो स्टाइल करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं फील हो रहा था कि यार मैंने गलत जगह पैसे लगा दिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर, सो मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं व्हाइट कलर का ट्राउजर इंक्लूड करूं, बिकॉज मेरे पास जो व्हाइट कलर का ट्राउजर अभी जो मैं यूज करती हूँ वो H&M का है, एंड मैंने लिटिल बॉक्स से भी ट्राई कर रखा है। तो मैंने सोचा एक तो मैं व्हाइट ट्राउजर जरूर ट्राई करूंगी, सो मैंने इंक्लूड किया है ये वाला व्हाइट ट्राउजर गाइज, लुक एट दिस। ये आपको मिल जाता है टैपर्ड फिट में, आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि किस टाइप का है। सबसे अच्छी बात इस ट्राउजर की ये है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी का इशू फील नहीं हुआ, कहीं से भी ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा था। सो बेस्ट पार्ट ये है इसका। नेक्स्ट जो अच्छा पार्ट है इसका, वो इसका फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पे आपको ना ऐसा फ्लैट पैटर्न मिल जाता है, एंड आपको ऐसा प्लीटेड पैटर्न भी देखने को मिलता है, लुक एट दिस। एंड नीचे साइड से इसका जो फिट है ना, ये वाला जो थाई वाला पोर्शन है वो भी बहुत अच्छा हो रहा था। नाउ जो इसका कॉन्स है वो ये है कि इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी लॉन्ग है, मैंने अभी भी इसको फोल्ड कर रखा है। मेरी हाइट 5'3.5 है, तो आप ट्राई एंड पार्ट में देख लो, मैंने इसको ना नीचे से हल्का सा फोल्ड कर रखा है, बिकॉज मुझे काफी ज्यादा लॉन्ग हो रहा था ये। आई थिंक इसकी हाइट 5'7 और 5'6 होगी ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट है, तो मुझे ये क्रॉप कराना पड़ेगा। एक तो ये इशू है, सेकेंड जो मुझे लगा वो ये है कि इसमें आपको साइड पॉकेट नहीं मिलते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार अगर ट्राउजर है तो साइड पॉकेट तो एटलीस्ट एक तो आप दे ही सकते हो। एंड इसमें मैंने जो अपना साइज ऑर्डर किया ना गाइस, वो 20/80 है, आई मीन स्मॉल साइज ही है, बट ये ना मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा था। आप ट्राई एंड पार्ट में देखेंगे, मैंने इसको ना अल्पिन से ऐसा स्टिच कर रखा है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट सा हो रहा था कि मैं इसको रखूं या नहीं रखूं, इसलिए मैंने ऑल्टर नहीं कराया। बाकी फिट बहुत अच्छा है, मतलब जो पूरा फिट आ रहा था ना वो तो नो डाउट बहुत अच्छा है। लेंथ में क्रॉप करा सकती हूँ, लेंथ के साथ बहुत ज्यादा ऐसा इशू नहीं है, बट ये हल्का सा मतलब मुझे जो लूज हो रहा है ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है मे भी हो सकता है मैं इसका साइज एक्सचेंज करा दूं, बिकॉज व्हाइट कलर के इस टाइप के ट्राउजर मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज व्हाइट के साथ सबसे ज्यादा इश्यू ट्रांसपेरेंसी का होता है। बिकॉज मैंने आई थिंक जो H&M का ट्राउजर भी परचेस कर रखा ना, वो तो मैंने 2299 में परचेस किया था, उसके अंदर भी ना मुझे इनर कैरी करनी पड़ती है फिर शॉर्ट्स न्यूट कलर में, बट इसके साथ मुझे ऐसा कुछ भी इश्यू फील नहीं हुआ। सो देखते हैं साइज में एक बार एक्सचेंज करा के देखती हूँ। बाकी फिट बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा आ रहा था, एंड इससे मैंने आई थिंक ब्लू कलर के ना क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया था, तो मैंने पिंटरेस्ट में ना थोड़ा सा सर्च किया था व्हाइट कलर के इस टाइप के जो ट्राउजर होते हैं ना टैपर्ड फिट वाले, ये ब्लू टॉप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो लुक काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था गाइज। सो आप इसे ना एक साइज डाउन में ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये ठीक फिट में हो जाए। इसे मैंने ऑर्डर किया है रोडस्टर ब्रांड से, रोडस्टर के साथ ना आई थिंक थोड़ा सा इशू होता है साइज का,
तो रोडस्टर में ना आप एक साइज डाउन में पहले ट्राई करिएगा। एंड प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है गाइज 950 रुपीज, बट अभी इसका प्राइस ना मुझे 1034 रुपीज शो हो रहा था, बट अगर ये आपको 1000 के बिलो मिलता है ना तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बिकॉज फिट बहुत अच्छा है इसका। तो दीज आर ऑल दी ट्राउजर जो मैंने मिंत्रा से ट्राई कर रखे थे। तो स्टार्टिंग के जो चारों ट्राउजर है ना उनका तो फिट, कलर सब कुछ बहुत अच्छा है। जो लास्ट का ट्राउजर है उसके फिट में थोड़े से प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें एक साइज डाउन में ऑर्डर करके देखूंगी एंड फिर मैं आपके साथ उसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी अगर मुझे अच्छा लगता है तो। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया होगा गाइस जरूर ट्राई कर लेना, लिंक सभी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बट प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल बटन है उसे क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ बाय बाय, टेक केयर।